हेलो डियर, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुनील कुमार राव फ्रॉम जीना सुधाकर ओझा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे आई विल स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिक्स डी फार्म सेकेंड ईयर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डी फार्म सेकेंड ईयर में इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन सा है, और यहाँ पे 25 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो इस बार आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे नंबर एक पे दिया है डिफाइन द गार्गल एंड माउथ वॉश। क्वेश्चन नंबर क्या है? डिफाइन द गार्गल एंड माउथ वॉश। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है? डिफाइन द लोशन एंड लिलीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा है? व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डिफाइन द ऑइंटमेंट है, क्रीम है एंड देयर बेस। ऑइंटमेंट क्या होता है, क्रीम क्या होता है, पेस्ट जेली सब पढ़ लेना, ठीक ना, और उसका बेस क्या यूज होता है वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड ऑयल इन वाटर इमल्शन। दोनों इमल्शन में क्या डिफरेंस होता है और दोनों इमल्शन को ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन फ्लॉक्युलेटेड एंड डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, फ्लॉक्युलेटेड और डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्सप्लेन द डाउचेज और इनिमास इन डिटेल। डाउचेज क्या होता है, इनिमास क्या होता है, इन सबको पूरा डिटेल में आप लॉन्ग आंसर टाइप के हिसाब से पढ़िएगा। लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन था उसी के हिसाब से पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिफाइन इन डिटेल इलिक्जर है, थ्रोट पेंट है और क्या है, सिरप है। तो इलिक्जर है, थ्रोट पेंट है और क्या है, सिरप को अच्छे से डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिफाइन द डिओड्रेंट एंड एंटी परस्परेंट। डिओड्रेंट और एंटी परस्परेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट वन करेगा डिफाइन द डस्टिंग पाउडर एंड फेस पाउडर। डस्टिंग पाउडर फेस पाउडर को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्सप्लेन द कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिफाइन द डेंट्रीफाइसिस। डेंट्रीफाइसिस क्या होता है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिफाइन द डस्टिंग पाउडर एंड फेस पाउडर। डस्टिंग पाउडर फेस पाउडर क्या है उन सबका फॉर्मुलेशन भी बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्सप्लेन द लिपस्टिक है, शैम्पू है, हेयर रिमूवल क्रीम। लिपस्टिक, शैम्पू और हेयर रिमूवल क्रीम को क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड आल्सो डिफाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट को डिफाइन करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज पोस्टोलॉजी, एक्सप्लेन द चाइल्ड डोज कैलकुलेशन। पोस्टोलॉजी क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द पोस्टोलॉजी प्लस क्या होता है उसका 7-8 फार्मूला, जो सातों फार्मूला तैयार करना प्लस उस पर जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देख लेना एक बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज। फिजिकल, केमिकल, तीन टाइप की इनकम्पेटिबिलिटीज होती है, तो तीनों टाइप की क्या है, इनकम्पेटिबिलिटीज को डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन क्या करा है, क्लासीफाई द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड आल्सो एक्सप्लेन द कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन करना है प्लस कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट को भी लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्ट एंड क्लियरिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट और क्लियरिटी टेस्ट क्या होता है उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स एंड विच इंग्रेडिएंट यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट क्या होता है प्लस ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक्सप्लेन द व्हीकल यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशन एंड आल्सो डिफाइन द WFI, SWFI एंड BSWFI। वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एंड बैक्टेरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है और जो व्हीकल होता है एक्वस व्हीकल और नॉन एक्वस व्हीकल उसको भी डिफाइन करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक्सप्लेन द लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इन तीनों को बताना है प्लस लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, गिव द वेरियस टाइप्स ऑफ पाउडर विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पाउडर क्या होता है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज सपोजिटरी एंड व्हाट इज सपोजिटरीज एंड डिफाइन द देयर टाइप्स एंड फार्मुलेशन यूज्ड।
क्या क्या सपोजिटिव क्या होता है, उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बता देना। ओके, तो ये सारा क्या होगा, डी फार्मा फार्मास्यूटिक सेकेंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आना है, तो इसको हर हाल में पढ़ के जाना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।